नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। एक तरफ जहां अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीन का पीआर होने का दावा कर रहे हैं, वहीं WHO चीन की तारीफें करता नहीं थक रहा है। बड़ी बात यह है कि WHO दुनिया को चीन से सीखने की सलाह दे रहा है। संस्थान की तरफ से कहा गया है कि चीन ने इस महामारी को बेहद समझदारी से संभाला है। चीन की समझदारी का ही नतीजा है कि वहां पर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इसका मतलब यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक प्रकार से चीनी स्वास्थ्य संगठन बन गया है, जिसे दुनिया के 205 मुल्कों की बजाय चीन की ज्यादा फिक्र है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर सवाल उठाने का औचित्य जरूर बनता है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से चीन में कोरोना वायरस के होने की घोषणा हुई थी, मगर उस वक्त WHO कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर पाया। आज इसे चीन में बीमारी खत्म होने के लिए तारीफें तो सूझ रही है, मगर इसने एक बार भी दुनिया को नहीं चेताया कि कोरोना वायरस एक महामारी है। दरअसल स्विट्जरलैंड के जिनेवा मुख्यालय के वातानुकूलित कमरों में बैठे टेड्रोस एडोनोम और उसकी टीम आज की दिनांक में काम कम कर रही है, बकलोली ज्यादा है। इन्हीं बड़े बड़े कार्यालयों में बैठे ये लोग केवल उन्हीं चीनी आंकड़ों को दोहरा रहे हैं जिन्हें चीन ने दुनिया के सामने रखा है। न टेड्रोस चीन में देखने गया, न उसके अधीनस्थ को चीन में घूमने का मौका मिला। पर इसके विपरीत दुनिया में अगर किसी मुल्क ने कोरोना वायरस ने सबसे विश्वसनीय आंकड़े दिए हैं तो वह अमरीका ही एक ऐसा मुल्क है। यही एकमात्र देश है जो दुनिया को बता रहा है कि उसके देश में इस वायरस ने कितनी तबाही मचाई है। जबकि जिस चीन का महिमा मंडन WHO कर रहा है, वह बार बार अपने आंकड़े बदल रहा है। टेड्रोस द्वारा बनाया जा चुका यह चीनी स्वास्थ्य संगठन अभी तक अमेरिका से मिली भीख पर दावते उड़ाता रहा है। पिछले वर्ष ही अमेरिका की तरफ से WHO को $400 मिलियन मिले थे। अमेरिका WHO को सब देशों से ज्यादा फंड मुहैया कराता है, मगर 21 अप्रैल को अमेरिका ने इस संस्था को कोई मदद नहीं देने की घोषणा कर दी। WHO उस वक्त संदेह के दायरे में आया जब चीन ने 23 अप्रैल को उसे $3 करोड़ का ऐलान कर दिया, साथ ही $2 करोड़ अतिरिक्त देने का भरोसा दिलाया। इससे समझने में देर नहीं लगी कि W और C के बीच दाल भात में मुसलचंद जरूर है। जहां तक टेड्रोस का प्रश्न है, वह एक इथियोपियाई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। बड़ी बात यह है कि वह पहले गैर चिकित्सक और पहले अफ्रीकी हैं जो WHO के प्रमुख हैं। WHO के 194 सदस्य देशों में 150 ऑफिस हैं और पूरे संगठन में करीब 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में यूएसए, यूके और भारत की भी भूमिका रही है। टेड्रोस आज जिन आंकड़ों के बल पर चीन का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें चीन में मौजूद WHO के कार्यालय ने भेजा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों को एकत्रित करने में संगठन की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि चीन ने इसके कर्मचारियों को जो बताया उसकी कथा टेड्रोस सुना रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हैं कि WHO समय रहते दुनिया को इस महामारी से सचेत नहीं कर सका, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। WHO केवल सोता भर रह गया। चीन में मौजूद उसका ऑफिस दावतों में लिप्त रहा। बाद में चीनी तारीफों का काम शुरू कर दिया गया, मगर WHO का यही काम होता तो दुनिया से टीबी और स्मॉल पॉक्स का भी खत्म नहीं हो पाता। 1 जुलाई 2017 से WHO के प्रमुख की कमाल संभालने वाले टेड्रोस ने WHO का न केवल भट्टा बिठा दिया, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनाने वाले भी वही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि टेड्रोस एडोनोम को WHO का चीफ बनाने में चीन ने मदद की थी। चीन ने टेड्रोस को न सिर्फ सपोर्ट किया था, बल्कि उसे अपने मत के अलावा अपने सहयोगी देशों के मत भी दिलवाए थे। यानी चीन के लिए पागल टेड्रोस उसी की मेहरबानी से WHO के डायरेक्टर जनरल बने थे। शायद यह चीनी एहसानों का ही परिणाम है कि उसने चीन से कभी कोई सवाल नहीं पूछा। संक्रमण के शुरुआती मामले दिसंबर में आए थे, लेकिन WHO ने कोई जांच नहीं कराई। खास बात यह है कि 14 जनवरी को WHO ने कहा कि इस वायरस का इंसान से इंसान में फैलने का कोई लक्षण नहीं है। 23 जनवरी को WHO की बैठक हुई, मगर यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश तक नहीं की गई। उसके बाद 24 जनवरी को इस वायरस पर ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा की, लेकिन यात्राओं पर प्रतिबंध की कोई सिफारिश फिर भी नहीं की। 27 जनवरी तक संक्रमण 13 देशों में फैल चुका था, मगर टेड्रोस सो रहा था। अब यह अलग बात है कि वे सो रहे थे या लाखों लोगों को सुलाने की योजना को आगे बढ़ा रहे थे। पर चाहे जैसा भी है, टेड्रोस और चीन के बीच एहसान उतारने चढ़ाने का खेल आज भी चल रहा है।
जिसके बीच ना जाने कितने निर्दोषों की बलि अभी भी दी जानी बाकी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।